हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं और उनके एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, क्या चांसेस है आज के दिन आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। टाइम टू इस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है। जो भी आपका सिचुएशन है, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो क्या है आपके पार्टनर के माइंड में सुबह सुबह, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ओके, आपके पार्टनर या आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उनका या आपका साइन हो सकता है। तो आपके हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को ऑफ़र किया था स्टेबिलिटी का, या आप हमेशा बेस्ट एफर्ट्स करते रहे हो आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपका जो एनर्जी था ऐसा था कि आपको इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। आप बिल्कुल लंबे समय तक इनके साथ जीना चाहते थे, कहना चाहिए पूरी लाइफ। शायद आपका एनर्जी था कि पूरी लाइफ ये व्यक्ति आपके लाइफ में रहे, ठीक है। आपका एफर्ट्स था या आपने ऑफ़र किया था इनको, जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया या आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है, या तो फाइट हुआ है इनके साथ, ठीक है। आपने इनको रिजेक्ट किया या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपके ऑफ़र को ठुकराया, आपको ठुकराया, आपने इनको ठुकराया, या तो फाइट हुआ है आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ हुआ है तो उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उस पल को, उस मोमेंट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे फाइटिंग वाले एनर्जी में दिखाई दिए हैं आपके पार्टनर, पता नहीं क्यों, पर इनको आप पर गुस्सा रहा है या मुझे चिड़चिड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज सुबह सुबह, और क्या कुछ सोच रहे हैं आप दोनों के बीच? जो हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं उसको याद कर रहे हैं, जब आप दोनों ने कभी मिला था, सेलिब्रेट किया था अपने लाइफ को, आप दोनों कभी काफ़ी खुश थे, हैप्पी थे। जब भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होती थी, आपका हंसना मुस्कुराना, आपका चीज़ें शेयर करना, इनका चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना, जो भी आप दोनों के बीच रहा ना, सब कुछ याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना खुश थे ये जब आप इनके साथ थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ था, इन्जॉयमेंट, फन, हैप्पीनेस, सुकून, फाइट, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, सब कुछ रहा है, तो वो सब याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकअप है या सेपरेशन है, तो आपके पार्टनर वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई है, या तो ये व्यक्ति आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आज भी। और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है। हो सकता है कि ये किसी और से मैरिड हैं, इनकी शादी होने जा रही है कहीं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ शादी नहीं हो सकती, या आप शादी नहीं कर सकते इनसे, या तो ये व्यक्ति आपसे नहीं कर सकते, तो रिजेक्ट करने का वजह ये भी हो सकता है, ठीक है, कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, या तो आप हो। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 45 नंबर या 54 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में, आपको ऑफर करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रिसेंटली आप दोनों के बीच बातचीत हुआ है, तो ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनमें आपके लिए इमोशंस जग गया है, तो ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि ये आपके लव में है। कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास्ट में कोई रहे हैं, किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है,
और आप इनके लाइफ में एक बहार की तरह आए, एक हैप्पीनेस की तरह आए, सुकून की तरह आए। आपसे बात करना, आपसे मिलना इनको बहुत खुशी देता है, ठीक है, इनको एनर्जाइज्ड करता है। जो व्यक्ति आपको लेकर सीरियस होने लगे हैं तो ये प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। ये कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और कोई आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, आपको उस ब्रेकअप के दर्द से निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई चाह रहा है कि आप उसको मौका दो, आपके पास ऑप्शंस है। हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या आपने मूव ऑन कर लिया है। तो डेफिनेटली ये जो आपके पार्टनर हैं, ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस हो सकते हैं। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये किसी और से मूव ऑन करके आपकी ओर आ रहे हैं, ठीक है, किसी और से मूव ऑन करके, किसी और को छोड़कर। यस, जो व्यक्ति आपके लिए सीरियस है या जो सच में आपसे लव करते हैं, वो कहीं कहीं से मूव ऑन करके आपकी ओर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओर आ रहे हैं, तभी आपको प्रपोज कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनका ट्रू लव और आप उनकी खुशी, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी और को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, पर कई लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, वहाँ पर भी ब्रेकअप या डाइवोर्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, और फिर आपसे शादी करना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं जो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर ब्रेकअप कर रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि इनको चीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपके लिए इमोशंस है इनमें। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, आपसे झूठ बोले हैं, आपको धोखे दिए हैं, पर अब ये धोखा नहीं देना चाहते, ठीक है। हो सकता है कि प्यार की शुरुआत आपने किया था, आपने पहले प्रपोज किया, और ये डिनाइल मोड पर थे, ये हमेशा डिले करते रहे, रिजेक्ट करते रहे। इस व्यक्ति को लगा कि आप सीरियस नहीं हो, आप चीट कर दो के या कर रहे हो, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके लव में है। अगर आप इनको हिंट देते हो, थोड़ा सा भी एफर्ट करते हो, इनको अगर शो होता है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप इनको लेकर बिल्कुल क्लियर हो और सीरियस हो, तो ये व्यक्ति ज़रूर आपको प्रपोज करेंगे, या शुरुआत शायद आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, शुरुआत आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको हिंट देना होगा इस व्यक्ति को, क्योंकि देखिए इनमें इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपके लिए लव है, काफ़ी ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर इनको हिंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, इनको आपको शो करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और क्या है आपके पार्टनर के मन में आज सुबह सुबह, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? आप काफ़ी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हो, आपने बहुत कुछ फेस किया है, ऐसा सिचुएशन देखा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, पर फिर भी आपने खुद को काफ़ी स्ट्रांग रखा है, ठीक है। तो जो आपके नेचर है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका हिम्मत है, ये उसके कायल हैं, ठीक है, ये रिस्पेक्ट करते हैं, और बिल्कुल इनको पता है कि हर सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बुरा से बुरा सिचुएशन में भी आप पेशेंस रखना जानते हो, आप खुद को स्ट्रांग रखते हो और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं काफ़ी कुछ। देख लेते हैं अब आपके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए आज के दिन। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? क्या उन्होंने कुछ सोच रखा है करने को? क्या हो सकते हैं उनके एक्शन? ओके, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर हो तो, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर आप कहीं हो,
तो आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन इनका मन दिल से करेगा कि ये आपसे बात करे, आपको देखे, आपकी वॉइस सुने, आपकी आवाज़ बिल्कुल सुने। ये महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये बिल्कुल खुद को ऐसा लग रहा है कि ये करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, चाहे आपको देखने का हो, चाहे आपसे बात करने का हो, चाहे इन्होंने मैसेज टाइप कर लिया है, फ़ोन बिल्कुल डायल कर लिया है आपको कि ये आपको बात करेंगे, तो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी बात को लेकर गिल्टी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कोई मदर या आपकी नानी दादी वगैरह, किसी फीमेल एनर्जी के साइड से भी ना मुझे आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लव दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, करती हैं। ये आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपकी मदर, आपके, जरूरी नहीं है कि फीमेल एनर्जी हो, ठीक है, ये कोई मेल भी हो सकते हैं, पर स्पेशली मुझे किसी फीमेल के साइड से आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, डीप लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप उनसे दूर हो तो वो काफ़ी दर्द में हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके लवर हो, आपके रोमांटिक पार्टनर हो। इनका शाइन वर्गो हो सकता है, जरूरी नहीं है वर्गो हो सकते हैं, पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 नंबर 9 या 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 9 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है, आपसे खुद को कनेक्ट करने का, करते हैं नहीं करते हैं ये बात की बात है, पर ये कोशिश करते हुए, ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो, ये इनको ऐसा लगता है कि आप बिजी हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इंतज़ार है कि आप इनके पास आओ, इनसे बात करो, इनसे मीटिंग करो, ठीक है, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स बताए मुझे क्या है इनके पार्टनर का एक्शन आज के दिन, क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हो सकता है उनके एक्शन इनके लिए। मैजिकल मोमेंट्स ला सकते हैं आप दोनों के बीच, मैजिकल मोमेंट्स मीन्स जो आपने सोचा नहीं है, जैसे कि आप दोनों के बीच सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, सब कुछ सुना सुना सा है, ठहरा हुआ सा है, नो कांटेक्ट है, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आप कब से वेट कर रहे हो, वो कब से वेट कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच हैप्पीनेस है, आप दोनों के बीच सुकून है, आप दोनों खुश हो, जो आपने सोचा नहीं वो हो रहा है, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो, आप दोनों खुश हो, हैप्पी हो। और क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए, क्या एक्शन हो सकते हैं उनका। ओके, कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको इंतज़ार है कि आप इनकी ओर बढ़ो, या आपके साइड से कुछ हिंट देखना चाहते हैं, या आपका इंतज़ार है इनको कि आप इनकी ओर जाओ, ठीक है। अगर ये देखते हैं कि आप इनकी ओर जा रहे हो, बढ़ रहे हो, या आप इनमें इंटरेस्टेड हो, तो ये भी आपको इन्होंने सोच रखा है कि अब ये प्रपोज कर देंगे, लव कन्फेस कर देंगे, बता देंगे कि ये आपसे लव करते हैं। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, या ये खुद को मानते हैं कि या ये जो है वो हैं, ऐसा लग रहा है ना कि मुश्किल है उनके लिए प्रपोज करना, पर वो कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब इमैच्योर लोग करते हैं, या लव कन्फेस करना, प्रपोज करना, सरप्राइज देना, रोमांटिक प्रपोजल देना, ये सब
वो करते हैं जो टीनेजर होते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ रहता, तो ऐसा बिहेव करना लवर्स की तरह ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, ये उनका सोच है, ठीक है, पर वो करना चाहते हैं आपके लिए। और क्या हो सकता है उनके एक्शन आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं वो? ओके, आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बॉन्ड मजबूत है, वो व्यक्ति आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम जिनसे आप सोल टू सोल कनेक्शन है जिनके साथ, वो कर रहे हैं आपसे बात। आज के दिन क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन? यूनिवर्स बताए मुझे आज के दिन क्या कुछ हो सकता है इनके बीच। इंतज़ार दिखाई दिया है कई लोगों के लिए, ठीक है, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहा है कई सारे लोगों के लिए। कई सारे लोगों के बीच न्यू स्टार्ट होगी, ये जो न्यू स्टार्ट है होने वाला है, आसान नहीं है या आसान नहीं होगी पर हो रही है, रफ टफ कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच, चांसेस है। अगर आपके साइड से ब्लॉकेजेस आ रही है, अगर आपके साइड से ऐसा है कि देखिए ये तो आगे बढ़ रहे हैं पर जो मुश्किलें हैं आपके साइड से आ रही है, या आप ऐसा कह रहे हो कि इस वजह से मैं तुम्हारे साथ इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, अगर ये आपका है या बात नहीं कर पा रहे हो आप, इनको ना एक चीड़ हो रही है, ठीक है, इनको गुस्सा आ रही है कि जब ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, जब ये प्रायोरिटी आपको दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते इनको? ये भी चाहते हैं जो ये आपके लिए कर रहे हैं, अगर ये आपके लिए बिल्कुल बिहेव करते हैं कि एक लवर की तरह, तो आपके साइड से भी इनको ये देखना है, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच। और क्या कुछ चांसेस है होने का, क्या कुछ हो सकता है? ओके, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो आप कर रहे हो पर कोई एक पर्सन यहाँ पर डिनायल मोड पर है, या किसी कोई एक रेडी नहीं है यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गुस्सा दिखाओ, नाराज़गी दिखाओ कि मैं इतना वेट कर रही थी, कर रहा था, और ये इतने वक्त में कर रहे हैं, इतना डिले कर दिया, जब मैंने इसका इंतज़ार किया इतना वक्त तक इनके लिए रुका या रुकी, तब इन्होंने नहीं किया, और जब मेरे पास ऑप्शंस है, जब मेरा मूड चेंज हो गया है, जब मेरे इमोशंस में, फीलिंग्स में, मेरे थॉट्स में चेंजेस आया है, तब ये मुझे ऑफर कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? तो ऐसा कुछ हो सकता है इस तरह का एनर्जी, पर हाँ ये आपको ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये ऑफर आप खुद कर रहे हो आपके पार्टनर को, तो अगर उनके पास ऑप्शंस है, अगर वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, देखिए अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं ये भी शो कर देंगे, और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या करेंटली वो रेडी नहीं है, फिर भी आपको शो कर देंगे, अपने बिहेवियर एक्शन से शो कर देंगे कि वो आपको चाहते हैं कि नहीं, आपके साथ करेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। इससे आप बिल्कुल क्लियरली जान जाओगे कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। और क्या कुछ चांसेस है आज के दिन होने का? ओके, आप दोनों कलीग हो सकते हो, एक ही वर्क प्लेस पर वर्क करते हो, पेंटर हो सकते हो, या तो वो हो सकते हैं, प्रैक्टिकली कैजुअली कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच, ठीक है, या तो आप इनके अंडर वर्क करते हो, या तो ये आपके अंडर, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, ठीक है, ये 40 या आप 20, ऐसा कुछ हो सकता है, 20-40, या ये 30+ हैं, आप 19-20 के हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पर प्रैक्टिकल है, कोई एक काफ़ी इमोशनल है, या कोई एक काफ़ी दोनों सीरियस हो,
कोई एक प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है, कोई एक काफ़ी इमोशनल हो रहा है। यहाँ पर एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों के बीच, पर यहाँ पर अगर सच्ची दोस्ती है, सच्चा प्यार है, तो आगे बढ़ रहा है। सब्र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ ऑलरेडी हो चुका है या काफ़ी कुछ घटित होगा आपके रिश्ते में, आपको सब्र रखना है। और मैच्योरिटी के साथ अगर दोनों हैंडल करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप दोनों हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो आज के दिन क्या हो रहा है आप दोनों के बीच, अगर देखूँ तो मीटिंग हो रहा है कई लोगों का, ठीक है। सब कुछ सही है, फ्रेंडशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, प्रपोजल आपको मिल रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, क्लैरिटी आपको मिल रहा है। कई लोगों के बीच मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया है, ये इंतज़ार दिखाई दिया है, तो ये सब हो रहा है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।